हम इसलिए आज प्रोटेस्ट करने के लिए आए। हमने इसे पहले भी बोला है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम फिर से सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है कि कहने की बात नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि आए दिन हम सड़कों पर आएंगे ताकि उनको समझ आ जाए कि इनकी इनके साथ हम कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आज ये आर्डर निकाला है कि लड़कियों को आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को रिटायर किया जाएगा, जबकि रिटायर उन लोगों को किया जाता है जिनके पास सर्विस बुक होता है, जबकि हमारे पास सर्विस बुक है ही नहीं तो रिटायरमेंट किस चीज़ की। उसके अलावा बाकी स्टेटों में जितनी भी पे है, कई जगह पे 15,000 है, कई जगह पे 20,000 है, कई जगह पे 13,000 है, 14,000 है, यहाँ सिर्फ 5,000 लेके हमें भगा देते हैं और इतना काम करते हैं हम एक हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो कहीं भी कुछ भी करना हो तो आंगनबाड़ी वर्कर को बुलाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि रिटायरमेंट करेंगे, सबसे पहले हमारा सर्विस बुक है वो बना दिया जाए, और जिस तरह बाकी स्टेट में NNS पे है 13,000 है, 20,000 है, 30,000 है, उसी तरह हमारी भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमारी पे वागुजार करे, वरना सैलाब आ जाएगा, फिर हमें ये रोकने के लिए कुछ भी करे मगर हम